हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभिषेक सोनी आज फिर लौट आया अपने नए नए वाली वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं स्केच मटेरियल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली टू मेन स्केच मटेरियल हमारा, पहला वो जिस पे हम बनाते हैं और दूसरा वो जिससे हम बनाते हैं। तो दोस्तों, ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं एंड चीप प्राइस में मिल जाएंगे आप लोगों को और ईजी अवेलेबल मिलेंगे आपको जो शॉप से आपके जो पास में। तो मैंने भी अपने घर के पास से लिया है, ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ा मैं लेने के लिए। और काफ़ी अच्छी ड्राइंग मटेरियल्स हैं, मैंने यूज़ करा, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो ठीक है, मैं पहले आपको इनके बारे में बताता हूँ फिर दिखाता हूँ कैसे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, पहली वो जिस पर हम बनाते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नील गगन की आइवरी शीट्स हैं। ये आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएंगी, आपके आस पास जो भी दुकान है आसानी से मिल जाएंगी। इसके अंदर 25 शीट्स आती हैं। तो दोस्तों, इसका जो सरफेस है वो रफ है थोड़ा, जिसके अंदर ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी होती है इसके ऊपर। एंड ये हार्ड भी है काफ़ी, जो मुड़ने का इसमें डर नहीं रहता। एंड इसमें स्केचिंग काफ़ी अच्छी होती है, या जो आप वैसे पेंसिल कलर करोगे या शेडिंग नॉर्मल, तो दोनों ही इस पर काफ़ी अच्छी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा एंड में वीडियो की, जो मैंने इनसे बनाया है, इन दोनों मेटेरियल को यूज़ करके स्केच बनाया है। ठीक है, और जैसे हम दूसरी पे आते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला था कि सेकेंड जिससे हम बनाते हैं ड्राइंग, तो देख सकते हैं आप, ये 8 लाइन की पेंसिल्स हैं, 70 रुपीज़ की मिल जाएंगी, इसका प्राइस 70 रुपये है। एंड आपको जो आपकी नियर शॉप्स हैं उन पर मिल जाएंगी काफ़ी अच्छी ये भी। एंड ये बहुत अच्छी चलती हैं, बिगनर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी पेंसिल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्केच के लिए जो है ही स्केचिंग के लिए। और इसके बारे में बताऊँ तो मैं इसको मैंने जब यूज़ करा तो इसमें सबसे पहले ये टूट नहीं रही थी, जैसे बाकी जो स्केच पेंसिल्स होती हैं नॉर्मली जो आती हैं, जैसे कि आप फेब्रिकेस्टर वगैरह की लोगे तो टूट जाती है जल्दी। इसको मैंने शार्प करके देखा, टूटी नहीं, इसलिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर आपको मिल जाएंगी HB 2B 4B 6B 8B एंड 10B। तो दोस्तों, ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी पेंसिल्स हैं, तो आप इनको यूज़ करके देखना, ट्राई जरूर करना। एंड मैं आपको पेंसिल खोल के दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारी पेंसिल्स ये इस कलर्स की आती हैं, काफ़ी देखने में लुक अच्छा है इनका, आर्टिस्ट लगते हैं देखने में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यही पेंसिल से काफ़ी अच्छी है एंड बिगनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आपको स्केच दिखाने वाला हूँ, एंड इस स्केच बनाने में हो जाता है 1.5 घंटे लगे, 1.5-2 घंटे। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि स्केच ये इसी शीट्स पे और इन्हीं पेंसिल्स से बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनमें ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है एंड शेडिंग काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, बस यही था इस वीडियो में आज के। तो दोस्तों, आप जो आपके दोस्त हैं, जो भी बिगनर्स हैं जिनको स्केच करना पसंद है, स्केचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको शेयर करो आप वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट कर दो, क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रही है वीडियो, मैं भी आपसे बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आपको स्केच दिखाने वाला हूँ, एंड इस स्केच बनाने में हो जाता है 1.5 घंटे लगे, 1.5-2 घंटे। तो आप देख सकते हैं, जैसे स्केच ये इसी शीट्स पे और इन्हीं पेंसिल्स से बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनमें ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है एंड शेडिंग काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, बस यही था इस वीडियो में आज के। तो दोस्तों, आप जो आपके दोस्त हैं, जो भी बिगनर्स हैं जिनको स्केच करना पसंद है, स्केचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको शेयर करो आप वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट कर दो, क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रही है वीडियो, मैं भी आपसे बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।